जिक्र करते हैं। आज चैत्र नवरात्र का आठवां दिन है। मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज का विधान आठवें दिन मां के आठवें स्वरूप यानी कि मां महागौरी की पूजा का रहता है। मां के जयकारों से इस वक्त मंदिर गूंज उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो भारी हुजूम श्रद्धालुओं का मंदिरों में देखने को मिल रहा है। तो आज का जो विधान है मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता मोहित हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। मोहित देखिए, आप इस वक्त जिस मंदिर के बाहर मौजूद हैं उसकी पौराणिक मान्यता है और क्योंकि आज मां के आठवें स्वरूप की पूजा की जाती है, आज का विधान रहता है कि आज के दिन जो भी मां की आराधना करता है उसे जो तमाम मनोकामना है वो उसकी पूर्ण होती है। क्या नजारा इस वक्त आपको बता दीजिएगा के दरबार में खड़ा हूँ और यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज महाअष्टमी है और अभी जो रात बीती है उसमें महानिशा पूजन हुआ है जिसमें तांत्रिक विधि से महानिशा पूजन होती है, अपनी अपनी मनोकामनाओं की तांत्रिक विधि से पूर्ण की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि माँ विंध्यवासिनी दरबार पूरे विश्व में ऐसा कोई दरबार नहीं है जहाँ त्रिकोण क्षेत्र है। माँ विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, महाकाली, माँ अष्टभुजा, यहाँ तीनों देवियाँ अपने सब शरीर विराजमान रहती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। महाअष्टमी को माँ महागौरी की उस समय पूजा चल रही है जिसमें हलवा, पूड़ी, छप्पन भोग माँ को अर्पित किया जाएगा। जी बिल्कुल मोहित, तो मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाइए, आपके आसपास यदि लोग मौजूद हों उनसे भी बातचीत कीजिए कि किस तरीके से उनको उन्हें उत्साह है इस चैत्र नवरात्र में आठवें दिन की पूजा को लेकर। जी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे तो अब तस्वीरें दिखाएं माँ विंध्यवासिनी में जो दरबार में लाइन लगा हुआ है और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। माँ का दर्शन करने आए हैं आप, कैसा लग रहा है? तो इससे पहले जो अभी कॉरिडोर बना है इससे पहले कैसे व्यवस्था थी, अभी कैसी व्यवस्था है? जी अच्छी व्यवस्था है। कब से आ रहे हैं आप? 2004 से। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार गोपालगंज जिला से। जी कैसा लग रहा है माँ के दरबार में आके? कहाँ से आए हैं पहली बार? पटना से। ऐसा फील हो रहा है यहाँ आके माँ के दरबार में? जी कॉरिडोर देख के कैसा लग रहा है? ठीक कैसा लग रहा है माँ के दरबार में आके? अच्छा लग रहा है। ठीक तो आपने देखा भक्त काफी उत्साहित है और माँ के दरबार में एक झलक पाने के लिए परेशान है। जी ठीक है मोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।